done. Hey guys, मैं हूं आपका इंफोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। और आज मैं वापस लौटा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आजकल एक FB इवेंट बहुत चर्चा में चल रहा है जिसका नाम है स्टॉर्म एरिया 51, जिसमें लगभग 12 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस इवेंट के अकॉर्डिंग ये सारे लोग एरिया 51 में घुसने की कोशिश करेंगे, जो कि एक टॉप सीक्रेट एंड क्लासिफाइड फैसिलिटी है। और ऐसी अफवाहें हैं कि यहां पर एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये इवेंट 20 सितंबर सुबह के 3 बजे हेल्ड किया गया है, पर बहुत से लोगों को एरिया 51 के बारे में बहुत कम पता है। और इसलिए आज मैं आपके लिए एरिया 51 के बारे में 7 ऐसे फैक्ट्स लाया हूं जो आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और नॉलेजेबल बना देंगे। पर उससे पहले, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं रियल लाइफ में कैसा दिखता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं z_IG। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, आखिर एरिया 51 को एरिया 51 क्यों कहा जाता है? वेल, इसका ऑफिशियल नेम एरिया 51 नहीं बल्कि नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। और इस जगह को ग्रूम लेक, होमी एयरपोर्ट और पैराडाइज रेंज के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम एरिया 51 शायद इसलिए है क्योंकि इस फैसिलिटी का बॉर्डर नेवाडा टेस्ट साइट को टच करता है, और नेवाडा टेस्ट साइट को World War II के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था। और इस साइट को ज्योग्राफिकल स्क्वायर्स में बांटा गया है जिनको 1 से लेकर 30 तक नंबर दिए गए हैं। और एरिया 51 सीधा एरिया 15 को बॉर्डर करता है, और शायद इसलिए इसका नाम उल्टा करके रख दिया गया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एरिया 51 का सरफेस खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और एरिया 51 की असलियत तो जमीन के नीचे छुपी हुई है। लोगों ने ये स्पेकुलेट किया है कि एरिया 51 के नीचे बहुत बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जिसमें टनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हमें ऐसी एंट्रेंसेस भी देखने को मिलती हैं। हाउएवर, सिंस वहाँ पर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ये बात श्योरिटी के साथ कहना इम्पॉसिबल है। एरिया 51 से जुड़ी वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रोवर्शियल स्टोरी है बॉब लेजार की। सो 1989 से लेकर आज तक लेजार ये क्लेम करते आ रहे हैं कि वो एरिया 51 के बहुत पास एक फैसिलिटी S4 में काम करते थे, और उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी पर काम भी किया है। लेजार ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत तरह की एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे हैं, और उनके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी दी है कि वो आखिर काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेजार ने बताया कि कुछ स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा एलिमेंट यूज करते हैं जिसका एटॉमिक वेट 115 है, और जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट हवा में लेविटेट कर पाते हैं। वेल, इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 यानी अनन पेंटियम और नाउ नोन एज मॉस्कोवियम 2003 में डिस्कवर किया गया था। तो आखिर लेजार को उस एलिमेंट के बारे में 14 साल पहले से कैसे पता था? लेजार ने ये भी बताया कि एलियंस हमारे अर्थ पर पिछले 1 लाख साल से आ रहे हैं, और एक ऐसे प्लैनेट से जो कि हमसे 39 लाइट ईयर्स दूर है। However, लेजार के दावों को नकारा जा सकता है क्योंकि लेजार ये क्लेम करते थे कि उन्होंने MIT से ग्रेजुएशन की है, पर ऐसा नहीं था। अगर वो अपनी एजुकेशन के बारे में झूठ बोल सकते हैं तो वेल, मे भी उनकी बाकी बातें भी मनगढ़ंत कहानियां ही हो। वेल, यू नेवर नो। अब दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आप एरिया 51 को अपनी आंखों से देख सकते हैं, और उस जगह का नाम है टीकाबू पीक। However, आपको फिर भी दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एरिया 51 वहां से भी 42 किलोमीटर दूर है। इससे पहले 2 जगहें ऐसी थी जहां से एरिया 51 को और पास से देखा जा सकता था, जो कि थी व्हाइट साइट्स एंड फ्रीडम रिज। बट 1995 में इन दोनों लोकेशंस को गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। मंडे टू फ्राइडे लगभग 20 फ्लाइट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर्कर्स को एरिया 51 से अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये प्लेन्स पूरे प्लेन वाइट हैं, और इनके बीच में एक रेड स्ट्राइप मौजूद है। ये सारे प्लेन्स मैकारन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लास वेगस से अपने खुद के टर्मिनल से उड़ते हैं। ये हैरानी वाली बात है कि सिर्फ यही प्लेन्स एरिया 51 के ऊपर से उड़ सकते हैं। इनफैक्ट एरिया 51 के ऊपर से मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकते। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि एरिया 51 के एम्प्लॉयज कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते और कैजुअली ड्रेस करते हैं। 1996 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंस डे, और इस मूवी में एक बहुत बड़ी एलियन फोर्स अर्थ पे कब्जा करने आती है, और हमारे ह्यूमंस कैसे अपने अर्थ को बचाते हैं और कैसे ये वॉर जीत जाते हैं, इस मूवी में ये दिखाया गया है। सो जब इस मूवी का प्रोडक्शन हो रहा था तो US मिलिट्री ने वादा किया था कि वो फिल्म क्रू की हर मदद करेंगे,
और उनको मिलिट्री व्हीकल्स और यूनिफॉर्म्स भी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ तक कि उनको मिलिट्री बेसिस पर अलाउ भी किया जाएगा। बट जैसे ही मिलिट्री को पता लगा कि स्क्रिप्ट में कुछ जगह एरिया 51 का नाम मेंशन किया गया है, उसी वक्त मिलिट्री ने अपनी सारी मदद वापस ले ली। सो आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है जेड, बट एक्चुअल में एरिया 51 में है क्या, यहाँ चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर क्रैश्ड UFOs हैं, क्या यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, आखिर चक्कर क्या है? वेल, ये ह्यूमन नेचर होता है कि कभी भी हमें किसी सीक्रेट चीज़ के बारे में पता लगता है तो हमारा दिमाग उस अनसुलझी चीज़ के साथ रह नहीं पाता और अपने आप ही स्पेक्यूलेशन देने लग जाता है। मैंने जितनी भी रिसर्च की उससे ये पता लगता है कि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि एलियंस और एरिया 51 जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ये नहीं बताना चाहती कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, जिसका मतलब ज़रूर वहाँ पर कुछ सुपर ऑसम सीक्रेट होगा। वेल, मैं आपको ये बता दूं कि एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है जहां पर न्यू एयरक्राफ्ट्स एंड वेपन सिस्टम्स टेस्ट किए जाते हैं, पर आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। सो वेल, जस्ट मे बी एरिया 51 में सच में एलियंस का राज दफन हो, बिकॉज अगेन यू नेवर नो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है एरिया 51 में सच में एलियंस हैं या नहीं। एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड लास्टली, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। माई नेम इज जेड एंड आई एम साइनिंग आउट।